प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अपने आज ही कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना सकता है। दरअसल तमाम असफल अभ्यर्थियों ने कई सवालों के गलत जवाब के आरोप लगाकर नतीजों को रद्द किए जाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया है, जबकि गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा परिणाम को रद्द करके उन्हें सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके घोषित किया जाए। प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अपने आज ही कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना सकता है। दरअसल तमाम असफल अभ्यर्थियों ने कई सवालों के गलत जवाब के आरोप लगाकर नतीजों को रद्द किए जाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया है, जबकि गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा परिणाम को रद्द करके उन्हें सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को शामिल। प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अपने आज ही कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना सकता है। दरअसल तमाम असफल अभ्यर्थियों ने कई सवालों के गलत जवाब के आरोप लगाकर नतीजों को रद्द किए जाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया है, जबकि गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा परिणाम को रद्द करके उन्हें सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके घोषित किया जाए। Thank you.